नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से, जहां पर लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को फिर से खारिज कर दिया गया है। जी हां, फिर से तारीख टल चुकी है। आज 27 नवंबर है और आज रांची के हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली थी और अब खबर सामने आ रही है कि ये सुनवाई भी टल चुकी है। इसे दिसंबर की 11 तारीख को शिफ्ट कर दिया गया है। अब लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि विधायक को फोन करने के जुर्म में यहां पर लालू प्रसाद यादव चौतरफा घिरते हुए दिख रहे हैं। कल भी उनके खिलाफ ललन पासवान ने, जिस विधायक को लालू प्रसाद यादव ने कॉल करके प्रलोभन दिया था, उन्होंने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ FIR की। उसके बाद उनको केली बंगले से शिफ्ट कर दिया गया वापस रिम्स में। आज सुबह से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आज 27 नवंबर है, आज उनके जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। तो क्या लालू प्रसाद यादव जेल में ही रहेंगे या फिर बाहर आने की कोई संभावना बनती है? तो अब ये खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर सुनवाई टल चुकी है और अब 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। लालू प्रसाद यादव ने अपनी जमानत याचिका में अपनी बीमारी के बारे में बताया था। याचिका में बताया गया था कि वो करीब 15 बीमारियों से ग्रसित है। उनका इलाज कई सालों से रांची के रिम्स में हो रहा है। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, इसलिए उनको जमानत दे दी जाए। जमानत के लिए लालू ने 4 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। बता दें कि लालू प्रसाद यादव 23 दिसंबर 2017 से ही चारा घोटाले मामले में जेल में बंद है, सजा याप्ता है। दुमका, देवघर और चाईबासा जैसे मामले में उनको अदालत में सजा मिल चुकी है। लेकिन अब CBI ने ये दलील दी है कि लालू प्रसाद यादव ने अपना सजा अभी भी पूरा नहीं किया है, जिसके तहत CRPC की धारा 427 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को अलग अलग मामले में सजा मिलती है तो एक सजा पूरी होने के बाद दूसरी सजा शुरू हो जाएगी। अगर कोर्ट ने सारी सजा एक साथ चलाने का आदेश दिया तो भी वो एक साथ नहीं गिनी जाएगी। CBI के इस आधार पर लालू की जमानत का विरोध कर रही है। CBI ने अपने जवाब में कहा है कि लालू प्रसाद यादव 4 मामले में अलग अलग 4 मामले में सजा हुई है और उन्हें सजा सुनाने वाली कोर्ट सभी सजा एक साथ चलाने का निर्देश नहीं देगी। ऐसे में ये नहीं माना जा सकता है कि लालू यादव चारों मामले में सजा काट चुके हैं, उन्हें एक और सजा पूरी करनी होगी और दूसरे मामले में सजा को भी फिर पूरा करना होगा। यानी कि अब लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी है। अब जो अटकलें लगाई जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ सकते हैं, वो अब संभव नहीं है। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को और तब तक लालू प्रसाद यादव और राजद को इंतजार करना होगा। मतलब कि लालू प्रसाद यादव अब चारों ओर से घिर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। बहरहाल, इसरो की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।